ये देर आए दरुस्त आए लेकिन आप लोगों के लिए एक से एक नई चीज लेके आए देखिए यही वीडियो नहीं है लेकिन इसके साथ साथ और भी वीडियो आपको मिलेगी और मजेदार एप्लीकेशन की आप लोग बिल्कुल लाइव प्रोसेस दे सकते हो पैंतालीस हजार रुपए का यहाँ तो मैं आपको एक एसएस दिखा रहा हूं पैंतालीस हजार का जो लोन है वो अप्रूव हुआ है अब देखिए यहां पर ना अब आपको इनकम प्रूफ को वेरीफाई करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी जी हाँ पहले क्या होता था कि हम नीरा के लोन एप्लीकेशन में इनकम प्रूफ को वेरीफाई करते थे डैन उसके बाद अप्रूवल मिलता था डेन उसके बाद यहाँ पर लोन अमाउंट डिस्पर्स किया जाता था लेकिन इस केस में अब वैसा नहीं रहा अब आपको क्या करना है बैंक स्टेटमेंट थ्री मंथ का डाउनलोडिंग कर लेना है उसके बाद यहां पर जब बैंक स्टेटमेंट मांगे तो वो अपलोड कर देना है और डालना क्या है ये चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ देखिए ये तो भैया पैंतालीस हजार रुपए का लोन है ओके सो so, पैंतालीस हज़ार रुपये के लोन में बाईस सौ पचास रुपये प्लस प्रोसेसिंग फीस एंड जी एस टी अट्ठारह परसेंट आपका चार सौ पाँच रुपये हो गया और यहाँ पे लास्ट ई एम आई जो है पाँच सौ तीस रुपये का कुछ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने जो है माइनस कर रखा है आई थिंक मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है टोटल अमाउंट जो है डिसबर्स किया जाएगा इकतालीस हज़ार आठ सौ पंद्रह रुपये बैंक खाते में ई एम आई जो रहेगी वो रहेगी पाँच हज़ार सात सौ छब्बीस रुपये की फर्स्ट ईम आई डेट रहेगी पाँच uh, जनवरी और यहाँ पे टोटल ईम आई रहेगी चौबीस ठीक है अभी मतलब फर्स्ट ईम आई भी नहीं आएगी क्योंकि अभी तो रिस

छियानवे हज़ार रुपये का भी मिल सकता है अप्रूवल देखिए डिपेंड नहीं करता कि आपका इनकम कितना है ठीक है डिपेंड करेगा आपके सिविल पे देखिए साफ साफ मेंशन है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको जो भी लोन अमाउंट अप्रूवल आएगा वो आएगा आपके सिविल के अकॉर्डिंग अदरवाइज देखियो आप कितनी भी कोशिश कर लो सिविल खराब होने के बावजूद तो आपको मिलने से ना रहा चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो अब छियानवे हज़ार का भैया किसी और को मिला है एंड पैंतालीस हजार का किसी और को मिला है और उसके बाद चार हजार का मुझे मिला है तो डिफरेंस अमाउंट है ना डिफरेंस अमाउंट का अप्रूवल आ रहा है लेकिन अब आपको क्या करना है अप्लाई करने के टाइम पे वर्क इन्फॉर्मेशन में आपको डिटेल क्या दे रही है ये चीज़ आपको जरूर दिखाना चाहूंगा हालांकि ये नीरा लोन अपलिकेशन है काफ़ी लोग जानते हैं तो इस बार्लीकेशन में मैंने वीडियो में शो नहीं करी है गाइस मेरे पास एक स्क्रीन शॉट था मैं उसी को ढूंढ रहा था बट वो मिला नहीं लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको सैलरी डिफरसेंट सेलेक्ट नहीं करना है ठीक है सैलरी परसेंट अगर आप सेलेक्ट करोगे नीरा लोन एप्लीकेशन के अंदर तो आपको इनकम प्रूफ को वेरीफाई करना हो जाएगा आपको क्या करना है सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट करना है वर्क इंफॉर्मेशन में जो कंपनी की डिटेल में आपको सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करना है और जिस बैंक से आप अच्छा खासा मतलब बहुत अच्छा खासा ट्रांजैक्शन करते हो उस बैंक स्टेटमेंट की बैंक स्टेटमेंट आपको सिक्स मंथ का सिक्स मंथ का मैक्सिमम सिक्स मंथ का आपको डाउनलोडिंग कर लेना है वो अपलोड करना है मैं फिर से आपको क्लियर कर रहा हूँ कि थ्री मंथ का नहीं सिक्स मंथ का आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए कंपनी में आपको सैलरी पर्सन नहीं सेल्फ एम्प्लॉय इंप्लोर्य, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है उसके बाद वहाँ पे इनकम आपको अपनी रेंज के हिसाब से डाल देना है जिससे कि वो आपका बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई ना कर पाए अब मेरी बात को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो आई डोंट नो बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की ठीक है ठीक है आप बाकी डिटेल जो है मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँगा